पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आज खेला गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, जिसमें बाबर आजम और फखर जमान की आया बैटिंग का तूफान। बाबर आजम और फखर जमान ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी और क्रिकेट की तारीख के आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। नाज़रीन, इस मैच में क्या कुछ हुआ? और जब बुमराह ने फखर जमान को आंखें दिखाई तो फिर फखर जमान ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? इस वीडियो के जरिए आपके साथ मुकम्मल अपडेट शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आज T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तानी टीम को 210 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 25 रन बने, सैम यू 15 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 75 रन बने, जिसमे बाबर आजम के 7 छक्के और 4 चौके शामिल है। अगर फखर जमान की बैटिंग की बात की जाए तो आज फखर जमान ने शानदार बैटिंग करते हुए 80 रन बने। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी टीम को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे तो बैटिंग पर मौजूद थे फखर जमान। फखर जमान को इंडिया के बॉलर बुमराह ने आंखें दिखाई तो इसके बाद फखर जमान ने अनोखा कारनामा सर अंजाम देते हुए बुमराह की पहली ही 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए और पाकिस्तानी टीम को ये बड़ा मुकाबला जितवा दिया।